इस समय सोशल मीडिया पर बहुत से लोग पोस्ट कर रहे हैं कि मीडिया पर कोरोना से संबंधित खबरें ज्यादा आ रही है, जिससे लोगों में भय का माहौल व्याप्त है और लोगों के द्वारा सलाह दी जा रही कि लोग मीडिया की खबरों से दूर रहें। यह सही है कि जो माहौल है उसमें ऐसी खबरें आना स्वाभाविक है। इसका मतलब यह नहीं कि मीडिया द्वारा भय का माहौल व्याप्त किया जा रहा, बल्कि सच्चाई यह है कि मीडिया ऐसी वास्तविकता बताकर लोगों को जागरूक कर रहा है। और सच्चाई तो यह है कि आज कोरोना के कारण जो स्थिति सामने आई है उसके लिए हम खुद भी कम जिम्मेदार नहीं है। विशेष रूप से अवेरल टाइम्स द्वारा 2 माह पूर्व से लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि सावधान हो जाए, कोरोना फिर से अपना विकराल रूप दिखा सकता है। लेकिन लोगों ने चेतावनी को बहुत हल्के में लिया। कोई मास्क नहीं, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं, बाजारों में भीड़ भाड़, लोगों का हाथ मिलाना, गले मिलना बदस्तूर जारी रहा। यहाँ तक लोगों ने हाथ धोना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना भी छोड़ दिया। शादी त्योहारों में वही पुरानी भीड़, ऑफिसों में वही पुराना रवैया, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। वास्तविकता को छुपाने कोई लाभ नहीं, बल्कि जो सच्चाई है उसको सामने लाना ही सही है, क्योंकि सच हमेशा कड़वी दवाई की तरह होता है और सच का परिणाम हमेशा सुखद होता है। हमेशा सकारात्मक रहें, नकारात्मकता को दूर रखें, लेकिन सच्चाई का सामना किया जाए। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। लखनऊ में कोरोना से मौतों के बीच राहत की बात यह है कि संक्रमण को मात देने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। कल 5,897 नए मरीज सामने आए, वहीं 2,641 लोग डिस्चार्ज हुए। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में सोमवार को एक बड़ी राहत वाली खबर आई। शासन ने राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित 106 डॉक्टरों को तैनाती दे दी। इन्हें कोरोना संक्रमितों के इलाज में लगाया गया है। कोरोना संक्रमितों के बेहतर इलाज में डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी बड़ी चुनौती के रूप में सामने आए हैं। ऐसी स्थिति में राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित 106 डॉक्टरों को तैनाती बड़ी राहत वाली बात है। कोरोना की वजह से लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। लखनऊ में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए CMO की अनुमति पर अस्पतालों में दाखिला मिलता था, तब CMO ने खूब मनमानी किया और जनता को भगवान भरोसे मरने को छोड़ दिया। अब यह प्रक्रिया समाप्त कर दी गई और लखनऊ के प्राइवेट अस्पतालों को संक्रमित मरीज का इलाज करने की अनुमति इस शर्त पर मिली है कि वो सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क पर ही इलाज करेंगे। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों पर इसका कोई असर नहीं और उन्होंने तो यह मान लिया कि इस समय उनकी लॉटरी खुली है, जितना लूट सकते वो लूट लो, और खुलेआम प्राइवेट अस्पताल जनता को लूट कर अपनी जेबें भर रहे हैं। मरीजों को वही दवाएं लिखी जाती है जो बाजार में सबसे महंगी होती है और जिसमें उनका भारी कमीशन होता है। ऐसे में मरीजों के पास दो ही रास्ते हैं, या तो बिना इलाज के अपनी जान दे दे या फिर खुद को अस्पतालों से अपने को लुटवा दे। इस सब पर सरकार और प्रशासन अपनी आंखें बंद करके तमाशा होने दे रही। रेमडेसिविर का भी हाल है, जैसे वायरल फीवर में एंटीबायोटिक खाओ तो 7 दिन में ठीक, ना खाओ तो भी 7 दिन में ठीक। ARDS रोकने में इसकी कोई भूमिका नहीं है। रिसर्च सोसाइटी ऑफ एनेस्थीजिया एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के सचिव और संजय गांधी PGI के ICU 1 पर प्रो संदीप साहू ने साफ शब्दों में कहा कि रेमडेसिविर के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है। डेक्सामेथासोन सबसे सस्ती और आसानी से मिलने वाली दवा है। यह दवा ARDS रोकने में काफी कारगर साबित होती है। ऐसा कोरोना मरीजों में देखा गया है, खास तौर पर जिनमें लो ऑक्सीजन की जरूरत है। इनमें यह 8 से 10 मिलीग्राम 24 घंटे में एक बार देने से वेंटिलेटर पर जाने की आशंका काफी कम हो जाती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उत्तर प्रदेश के 5 शहर लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी तथा गोरखपुर में आज से 26 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन के आदेश के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल पूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के साथ कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती करें। उन्होंने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। UP सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के यूपी के 5 जिलों में लॉकडाउन के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की 2 सप्ताह की रोक। उत्तर प्रदेश में रहेगा वीकेंड लॉकडाउन, यानी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। लखनऊ में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने एक बार फिर चिंता का माहौल बना दिया है, जिसमें लगभग 30% हेल्थ वर्कर कोरोना पॉजिटिव हुए। इनमें प्रमुख कोविड अस्पतालों के डॉक्टर, नर्स, तकनीशियन, वार्ड बॉय और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। इससे विभिन्न अस्पतालों में कोविड की सेवाएं पर काफी असर पड़ा रहा है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक सीनियर डॉक्टर ने बताया है कि यहां एक दिन में 40 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। यह बीमारी इतनी संक्रामक है कि हर बार एक टीम 14 दिन के लिए कोविड ड्यूटी पर जाती है, जिनमें से लगभग 1/4 उनके साथ पॉजिटिव होकर ही लौटते हैं।
राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में भी 2000 कर्मचारियों में से कम 600 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इसी तरह की स्थिति बलरामपुर अस्पताल में भी है, जहां पिछले 72 घंटों में 15 डॉक्टरों समेत कम से कम 24 स्टाफ सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए। देश में कोरोना से लगातार बिगड़ते हालात के बीच लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्विटर पर जमकर विरोध जताया। कुछ ही घंटों में ट्विटर यूजर ने 2,00,000 से अधिक ट्वीट कर पीएम नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग कर दी। कई लोगों ने प्रधानमंत्री की तुलना नीरो से कर दी। चिकित्सीय विशेषज्ञों की राय है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कमरा अच्छी तरह से हवादार होना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए और किसी बंद कमरे में ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा न हो, यही बेहतर होगा। किसी बंद कमरे में केवल एक व्यक्ति वहां मौजूद सभी लोगों को संक्रमित कर सकता है। ऐसा नहीं कि अगर आप संक्रमित व्यक्ति से 10 मीटर दूर बैठे हैं तो आप संक्रमित नहीं होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एरोसोल लंबी दूरी तक ट्रेवल कर सकता है और अगर संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तब तो एरोसोल और भी ज्यादा दूर तक जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और गुजरात से सोन चिड़िया को विलुप्त होने से बचाने के लिए ओवरहेड बिजली के तारों को भूमिगत करने की व्यवहारिकता पर विचार करने के लिए कहा है। उड़ने वाले भारी पक्षियों में से एक सोन चिड़िया विलुप्त होने के कगार पर है। मुख्य रूप से ओवरहेड पावर लाइन से टकराने से इनकी मौत हो रही है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को जिस बाराबन की रजिस्ट्रेशन वाली एम्बुलेंस से पंजाब के मोहाली कोर्ट में पेश किया गया था, उसमें बाराबन की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 के श्याम संजीवनी हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर अलका राय और एसिन राय को गिरफ्तार किया है। दोनों को एसआईटी जांच के बाद फर्जी दस्तावेज के जरिए एम्बुलेंस का पंजीकरण करवाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा से दिल्ली को मिलने वाले पानी पर मात्रा व गुणवत्ता की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति इस बात का अध्ययन करेगी कि वजीराबाद जल संयंत्र को कितना पानी मिलता है और इसकी गुणवत्ता कैसी है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जल बोर्ड के उस आवेदन पर सुनवाई कर रहा है जिसमें हरियाणा और पंजाब पर कम और दूषित पानी की आपूर्ति करने का आरोप लगाया गया है। डोमिनोज इंडिया पर बड़ा साइबर अटैक हुआ है। मशहूर पिज्जा आउटलेट डोमिनोज इंडिया पर साइबर अटैक कर 13 GB का इंटरनल डेटा चारी खा चुका है। इसमें आईटी, लीगल, फाइनेंस, मार्केटिंग, कर्मचारियों की जानकारी के साथ ऑपरेशंस की भी जानकारी थी। हैकर्स का दावा है कि यह जानकारी उन्हें 18 करोड़ ऑर्डर डिटेल्स की मदद से मिली है, जिसमें ग्राहकों के फोन नंबर्स, ईमेल आईडी, पेमेंट डिटेल्स, डिलीवरी के साथ डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जानकारी शामिल है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में मछली पकड़ने वाले जहाज से 3,000 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ जब्त किया है। इस जहाज के विदेशी मूल का होने की आशंका है। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय नौसेना का जहाज सुवर्ण अरब सागर में निगरानी गश्त पर था और इसी दौरान इसका सामना मछली पकड़ने वाले जहाज से हुआ जो संदिग्ध स्थिति में वहां से गुजर रहा था। उन्होंने कहा, जहाज की जांच करने के लिए भारतीय नौसेना के जहाज के दल ने उसकी तलाशी ली जिससे उससे 300 किलोग्राम से अधिक नशीला पदार्थ जब्त किया गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा कि हिंद प्रशांत के स्वतंत्र मुक्त और समावेशी क्षेत्र के रूप में उसके दृष्टिकोण का आधार आसियान केंद्रीयता और समृद्धि की तलाश है। इसके साथ ही भारत ने आतंकवाद, चरमपंथ और संगठित अपराध की समकालीन सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सीमा पार समन्वित और ठोस कार्रवाई का आह्वान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हम समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठनों के बीच सहयोग समकालीन चुनौतियों और टकरावों का सफलतापूर्वक समाधान करने में एक महत्वपूर्ण कारक होगा। भारत ने दो टूक शब्दों में कहा कि चीन भारत संबंधों के विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन चैन बनाकर रखना जरूरी है। भारत ने इस बात को भी रेखांकित किया कि बीजिंग को परस्पर चिंताओं, संवेदनशीलताओं और प्राथमिकताओं का सम्मान करना होगा। भारत और चीनी सैनिकों के बीच पिछले साल 1 मई से पूर्वी लद्दाख में गतिरोध की स्थिति है। दोनों पक्षों के सैनिकों ने फरवरी में पेंगोंग झील में उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सैनिकों तथा हथियारों की वापसी पूरी की, लेकिन पूर्वी लद्दाख में अन्य अनेक क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी अभी तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे समय में भारत का चीन को कड़ा संदेश महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान की कोट लखपत जेल से 14 साल की सजा काटने के बाद अटारी वाघा सीमा के रास्ते भारत लौटे जम्मू कश्मीर के रहने वाले धर्म सिंह 42 वर्षीय को सीमा सुरक्षा बल ने पुलिस के हवाले कर दिया। कस्टम इमिग्रेशन होने के बाद उसे अमृतसर के श्री गुरु नानक देव जी अस्पताल में क्वारंटीन कर दिया गया है। धर्म सिंह जम्मू कश्मीर के डोडा जिले का रहने वाला है। वह 2003 में सांबा सेक्टर के रास्ते पाकिस्तान गलती से चला गया था, जहां उसे 14 साल की सजा सुनाई गई। पाकिस्तान की लाहौर स्थित कोट लखपत जेल में 14 साल की सजा काटने के बाद वह सोमवार को वाघा के रास्ते भारत लौटा।
ब्रिटेन ने भारत के नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के चलते ब्रिटेन ने भारत को यात्रा श्रेणी की रेड लिस्ट में डाल दिया है। इससे पहले पाकिस्तान ने भी कोविड-19 मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि के चलते भारत से यात्रियों के आने पर 2 सप्ताह के लिए रोक लगाने का फैसला किया। IPL 2021 के 12वें मैच के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने सामने थीं। इस दौरान राजस्थान रॉयल्स ने पहले टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 188 रन बनाए, जिसके जवाब में उतरी राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 143 रन ही बना सकी, जिसके कारण राजस्थान को मैच में 45 रनों से हार का सामना करना पड़ा। IPL 2021 का 13वां मैच दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में आज शाम 7:30 से खेला जाएगा। ताज़ा समाचारों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।